लालबर्रा में पीड़ित ने पटवारी पर लगाया आरोप, कहा सीएम हेल्पलाइन शिकायत वापस लेने की पटवारी दे रहा धमकी। लालबर्रा नगर मुख्यालय के वार्ड नंबर 1 पांडरवानी निवासी कमलेश ब्रह्मे ने बताया कि उनके द्वारा न्यायालय तहसीलदार लालबर्रा में भूमि का विवाद सुलझाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही स्थल का पंचनामा बनाया गया, बल्कि आवेदन खारिज कर दिया गया, जिस संबंध में शिकायत 181 सीएम हेल्पलाइन में की गई, जिसके बाद से पटवारी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं उनके पुत्र पीड़ित जयप्रकाश ब्रह्मे ने बताया कि पहले हल्का पटवारी शिवलाल अड़मे द्वारा फोन कर शिकायत वापस लेने की बात कही, जिसके बाद मेरी दुकान में कोटवार को पहुंचाया गया, जिसके माध्यम से भी शिकायत वापस के लिए कहा गया। बड़े भाई सुरेश ब्रह्मे को पटवारी ने कहा कि यदि आपके पिताजी शिकायत वापस नहीं लेते तो मैं अपनी जाति का फायदा उठाते हुए तुम्हारे पिताजी के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगवा दूंगा। इस संबंध में पटवारी शिवलाल अड़मे ने कहा कि कमलेश ब्रह्मे केस हार चुका है, शिकायत फर्जी है, जिसकी FIR करने तहसीलदार ने निर्देश दिए हैं। मैं SC ST एक्ट लगवा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। लालबर्रा से मुकेश रंगारे। आपका परिचय? मैं जयप्रकाश ब्रह्मे। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या यह है सर कि मुझे मेरे पिताजी द्वारा एक शिकायत की गई है सीएम हेल्पलाइन में, उसके द्वारा मुझे पटवारी जी हमारे अड़मे उनका फ़ोन आया था मुझे, और मुझे ये बोला गया कि आपने जो 181 की जो शिकायत किए हैं वो आप वापस ले लीजिए, ऐसा मुझे बोला गया है। मुझे कॉल आया था पटवारी जी का, उसके बाद मुझे सुबह मंगलवार के करीबन 12 बजे हमारे जो अनिल भैया हैं कोटवार रंगारे जी, वो मेरे पास आए और मुझे बोले कि मुझे आपने जो 181 में जो शिकायत किए हैं वो वापस ले लें, ऐसा करके मुझे बोला गया है। और मुझे कुछ जानकारी ये भी लगी कि हमारे बड़े भाई जो है सुरेश ब्रह्मे, उनको बोला गया है पटवारी द्वारा कि आप अपने पिताजी को समझा दीजिए कि आपके पिताजी ने जो 181 में जो शिकायत किए हैं वे वापस ले लें, अन्यथा मैं अपने पटवारी जी द्वारा आपके दबाव बनाया जा रहा है क्या, 181 की शिकायत वापस ली जाएगा? हाँ, दबाव बनाया जा रहा है। आप क्या चाहते? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मौका मुआयना भी नहीं किया? नहीं नहीं, मौका मुआयना तो आज तक नहीं हुआ है। और कोई धमकी दी गई है आपको? नहीं, धमकी वमकी तो नहीं दी गई है, बस यही हमको अड़मी जी का फ़ोन आया था पटवारी जी का, और हमारे बड़े भाई को उस दिन पटवारी जी बोले कि आप शिकायत वापस ले लीजिए, आपके पिताजी को बोलो, नहीं तो मैं अपनी जाति का एक्ट आदिवासी का ऐसा उन्होंने बोला है लगा दूंगा करके। तो आप क्या मान रहे हैं, आप पूरा क्या चाह रहे हैं आप पूरे मामले? हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, अधिकारी जाना चाहिए स्थल में जाके। जो पटवारी साहब ने जो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, इस पर क्या करना चाहेंगे आप?